कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा के ग्वालियर स्थित निवास पर विधायक की धोखाधड़ी से प्रताड़ित प्रॉपर्टी ब्रोकर एक सैकड़ा से अधिक लोगों को अपने साथ लेकर आत्मदाह करने पहुंचा, जबकि शिकायतकर्ता सीताराम शर्मा की ओर से विधायक के खिलाफ थाना महाराजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट से पहले राज्यपाल को पत्र लिखकर चर्चा में आए ग्वालियर के प्रॉपर्टी ब्रोकर सीताराम शर्मा ने रविवार को एक सैकड़ा से अधिक लोगों के साथ कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के दीनदयाल नगर स्थित निवास पर आत्मदाह करने से पहले थाना गोला का मंदिर चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस एहतियात के तौर पर थाना ले आई और पीड़ित पक्ष को समझाने की कोशिश भी की। दरअसल पूरा मामला यह है कि विगत दिनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लिखे गए पत्र में ग्वालियर के वायु नगर में रहने वाले सीताराम शर्मा लिखा था कि दीनदयाल नगर से लगी जमीन पर सोमावली विधायक अजब सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता भगवान सिंह के नाम पर कॉलोनी बनाई थी। सीताराम का कहना है कि उसने लगभग 46,000 वर्ग फुट में भूखंडों पर प्लाटिंग कर विभिन्न लोगों को विक्रय किया, जिसकी समस्त राशि अजब सिंह कुशवाहा ने ले ली और इन भूखंडों की रजिस्ट्री अपने भतीजे सर्वेश कुशवाहा और अपने रिश्ते के साले प्रमोद कुशवाहा व सुपरवाइजर के द्वारा करा दी। लेकिन इसके बाद जब लोग कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि कई अन्य लोगों को पहले से ही यह भूखंड बेच दिए गए हैं। विधायक अजब सिंह अब न तो जमीन का पैसा वापस कर रहे हैं और न ही जमीन दे रहे हैं। ऐसे हालात में सीताराम ने चेतावनी पत्र देकर 5 सितंबर को दिन में 2 बजे विधायक निवास पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया था, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना महाराजपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत पर विधायक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीताराम शर्मा, क्या पूरा क्या मामला था? अजब सिंह कुशवाहा पीड़ित है बहुत बुरी तरह। अजब सिंह कुशवाहा हमने कुछ प्लॉट खरीदे थे 40,000 स्क्वायर फुट जगह, जिसका 1,86,00,000 रुपए इनको पेमेंट दिया था इनके घर पर 2010-2011 में। प्लॉट पूरे फर्जी निकले, कुछ जगह सरकारी निकली, कुछ प्लॉटों की डबल रजिस्ट्रियाँ निकली। आज तक कोई प्लॉटों की पजेसन नहीं मिली है। जब पजेसन मांगी तो इनका यह कहना था कि हमारे पास ना तो पैसा है ना प्लॉट है, आपको जो दिखे करो। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस विधायक सुमावली से वर्तमान आत्महत्या करने जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, करने नहीं दिया। पुलिस तो हमको मरने नहीं दे रही, पीछे वाले हमको जीने नहीं दे रहे। ये आदमी हमको पैसा नहीं दे रहा, हमारा चुकता नहीं कर रहा, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। 2 दिन का समय दिया है, अगर 2 दिन में निपटारा नहीं होता है तो 3रे दिन में फिर इनके निवास स्थान पर फाइट करूँगा, 2 दिन में निराकरण करा दिया जाएगा, तो 3रे दिन फिर फाइट करूँगा। क्या 150-200 लोग हैं कम से कम? क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि फरियादी सीताराम शर्मा है गोवर्धन कॉलोनी के, इन्होंने माननीय विधायक जी अजब सिंह कुशवाहा और सरविंद कुशवाहा अनिल और प्रमोद के खिलाफ धोखाधड़ी का एक अपराध कायम कराया है थाना महाराजपुरा में। उस संबंध में ये सब लोग आज गोलीक मंदिर थाने पर मिलने आए थे, तो इन सीताराम करने का प्रयास भी किया था पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सब मिलने आए थे क्योंकि ये अजब सिंह कुशवाहा जो विधायक जी हैं वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसलिए इस थाने पे आए थे। हाँ, उनके सबके अभी बयान लिए जाएंगे, जो फरियाद है और उनको जो उनके साथ जो पीड़े थे उनके सबके बयान लिए जाएंगे। कितने अब ये तो अभी उससे उनके दृष्टि से पता चलेगी। अभी कितने लोगों ने मामला दर्ज किया है? अभी तो ये सीताराम जी ने करवाया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर CBSE दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष, 20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं
बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246 7225964184 7987123623